ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चाहे आपके पास साइकिल हो, स्कूटर हो या कुछ भी नहीं हो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल साहब व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उस वजह से हमारा दिल दुखता है, तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मैं सुबह सुबह नमाज पढ़ के आया, अभी टाइम आ रहा है 7:30, मैं आया था लगभग 7 बजे, पहुंच गया 6:30 में आया था, उसके बाद मैं सो गया था एंड अभी मुझे पापा ने उठाया। ये रहे यहाँ पे पापा, हेलो करो। अभी कहाँ जा रहा है? अभी जा रहा है पापा को काम पे। पापा ने बैग भी चेंज किया है, ठीक है। आधा घंटा काम कर दिया, पहले 9:30, अब 9 बजे जाना है काम। जल्दी करो। तो आज से पहले मैंने आपको जो भी व्लॉग दिखाया है ना, सुबह सुबह मैं पापा को जाता था बाहर तक साथ एंड पापा जाता था उसके बाद काम पे। तो आज मैं जाने वाला हूँ पापा के साथ नानी हाल, जहाँ पे पापा काम करता है ना वही पे मेरा नानी हाल है। तो हम जाने वाले हैं आज साइकिल पे ही, तो देखेंगे क्या कुछ सीन रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सलाद खाएंगे। ये काम पे आप साथ लेते हो? ये सलाद आगे खतरनाक चीज। आप भी खाना हो यार। अभी चाय, आपने पापा ने चाय पी, मैं अभी पी रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज्यादा। गाइस, आपको पता है ये कुत्ता क्यों पीछे दौड़ता है? मैं आपको अभी बोलूंगा। पापा का बॉडीगार्ड, देखो देखो ये पीछे दौड़ रहा है। रुको, मैं अभी बोलूंगा। ओ शेर, हम क्या कर रहे हैं? ये देखो दूसरा, ये पापा का बॉडीगार्ड है। ये देखो भाई, पापा की डेली एक्टिविटी है, ये देखो। डेली डालते हो टाटा। चलो चलो साइकिल पे चढ़ो। सो फाइनली गाइस, पापा और मैं निकले घर से एंड अभी हम फाइनली चल रहे हैं, ठीक है। पापा को बराबर काम पे पहुंचना है 9 बजे एंड अभी टाइम आ रहा है 8, क्योंकि पापा को आगे ड्यूटी पे लेट होता है तो इसको फिर वहां पे चार्जेस कटते हैं। पापा ऐसा लग रहा है साइकिल चला के, ऐसा अभी पापा साइकिल पे है, ठीक है। तो फिलहाल मैं भी पीछे बैठा हूँ, जब पापा थक जाएंगे तो तब मैं चलाऊंगा साइकिल। ये देख सकते हैं आप साइकिल, ये भी तरीके से हम चल रहे हैं अभी। फिलहाल अभी हम घर के पास ही चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं एंड आगे मैं आपको सारा दिखाऊंगा। फिलहाल पापा ने कुत्तों को वो भी डाला जंग। गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि साइन अप करने पे ही आपको आईफोन जीतने का मौका मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम है जीतविन, और अभी जीतविन साइन अप करने वालों को 5 सिपने फ्री दे रहा है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो सोहेब, तो आपको 5 सिपने एक्स्ट्रा मिल जाएगी विदाउट किसी मतलब इन्वेस्ट या डिपॉजिट किए हुए। जीतविन में आप ट्रेडिंग स्पोर्ट्स कर सकते हैं और बहुत सारी कैसीनो गेम्स खेल के भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जीतविन में आप किसी को भी रेफर करके 300 रुपए जीत सकते हो, और ये खाली इतना ही नहीं है, जितने दोस्तों को आप ये रेफर करोगे उतना आप कमा सकते हो। जीतविन में विड्रॉल और डिपॉजिट 24 आवर्स अवेलेबल है, ठीक है, और ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल देती है। तो अभी आप साइन अप कीजिए और मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए, ठीक है। तो वेट किसका कर रहे हो, कमेंट्स में लिंक दी गई हुई है पिन करके, वहां पे जाओ और खेलो एंड मेरा प्रोमो कोड भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे प्रोमो कोड दिया गया हुआ है। सो गाइस, फिलहाल फाइनली अभी हम चल रहे हैं पापा और मैं साइकिल पे लाल चौक में। फिलहाल हम लाल चौक पहुंचे, कितने टाइम में पहुंचे बाबा? देखो पापा देखेगा फोन पे टाइम, तब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ। पापा को कल मिले हैं 2 सब्सक्राइबर, उनका नाम लिख कर है पर्ची पे, तो वो भी लेता है। तो अभी कितना टाइम आ रहा है? 8:15, अभी कितना 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में हम लॉल चौक पहुँचे घर से, 10 मिनट में 20 मिनट्स में हम पहुँचे। एंड जो पापा को कल सब्सक्राइबर मिले थे वो कहाँ पे मिले थे? वो मिले खानियार में, और कहाँ पर? और राजे करल में। उनका नाम पर्ची पे लिख कर है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शोर है थोड़ा सा, उनका नाम है इस पे लिख कर है। एक का नाम मुझे याद रहा मफूक, ठीक है, मफूक रहता है, वो रहता है रैनावारी में। सो दूसरे का नाम है अनस बिन मुजफ्फर, ठीक है, तो वो रहता है
रज़े कदल में, तो उनको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार है, आप सब लोगों को भी। एंड जो जो भी अभी तक चैनल पे जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल अभी हम बराबर लाल चौक में, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखो लाल चौक में। पापा क्या विचार है आपके? विचार क्या है? लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है जिंदगी में। चलो चलो यमो क्या कर्मुत क्या सड़के खोनमुत यमो क्या मकई वच लगने यह मकई वच लगने। अभी हम कहाँ पहुँच गए? टी आर सी पहुँच गए। हाँ, क्योंकि ऊपर वाले ने जुआ दिया है, उसी में खुश रहना है। चलो और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है, साइकिल पे घूम रहे हैं, पियो ऐश करो, मजे लेना, ठीक है? ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चाहे उनके पास साइकिल हो, स्कूटर हो या कुछ भी नहीं हो। अगर लास्ट में तो मरना ही है, लास्ट में तो सबको जाना है, तो जितनी भी जिंदगी है उसमें मजे करो, ठीक है? तो इन मजू के साथ में नीचे उतरता हूँ क्योंकि साइकिल नहीं चढ़ रहा है, ठीक है? ये देखो पापा चले, क्योंकि यहाँ पे ये है थोड़ा बहुत, इसीलिए साइकिल नहीं चढ़ पा रहा है। तो अभी हम पहुंचे यहाँ पे डल गेट में, तो फिलहाल अभी यहाँ से है कम ही दूर मेरा नानीहाल, ठीक है? तो मैं जाता हूँ नानीहाल, बाकी का आधा व्लॉग हम वहीं पे बनाएंगे, बच्चों के साथ मेरे कजन है वहाँ पे। तो यस, फिलहाल आप देख सकते हो आपकी एनर्जी कितनी खत्म हुई? 20% 20% अभी 80% है, शाम तक खत्म। सही सही सही, देखो चले फिर निकलते हैं, फिर क्या देखना है। चलो चलो चलो, मुझे छलांग मारनी पड़ती है याली। ओ भाई साहब मजेदार। बाकी अपने बच्चों को प्यार करो और मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो और जिंदगी के मजे ले लो और टेंशन मत ले लो। कल गाइस मैं जाने वाला हूँ नानीहाल, मुझे यहाँ से चढ़ना है, तो पापा निकलेगा आप काम पे, ये अपने रास्ते में, अपने रास्ते। ओके, आप मिलते हैं शाम को या कल। चलो तो फिलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से, आप जाते हैं नानीहाल, आप नानीहाल में मिलते हैं, पापा चलता है काम पे। ओके बाय बाय। ओके जाओ 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 टाटा। सो यस, फिलहाल मैं भी निकलता हूँ नानीहाल की तरफ, आपसे मिलते हैं आगे। मजेदार मजेदार मजेदार। नानीहाल पहुंचा था यहाँ पे, फिलहाल बच्चों के साथ मस्ती चल रही है, खाना वगैरह हो गया। आपको कुछ समझ आया? इनको नील समझ आया, आपने क्या बोला? मैंने, मुझे समझ आया। मजेदार मजेदार, ये बोलता है मजेदार, इसको कपड़े लगाए जा रहे हैं। चाक रस का सुन कोत मन मजेदार, डिस्को कर डिस्को कर मजेदार। इस वीडियो को इधर ही रहने देते, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।